दोस्तों आज सोनी लेकर आई है पूरे एक साल का इंतजार करवाने के बाद में जंगली ककोरा की बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी। राम राम राधे राधे सभी को। तो चलिए आज हम बनाते हैं राम राम राधे राधे सभी को। तो चलिए आज हम बनाते हैं ककोरे की सब्जी। ये बारिश के टाइम पर ही लगते हैं, तो आज हम ककोरे की सब्जी बनाते हैं। और आपके यहाँ पर क्या बोलते हैं इससे, कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो ककोरे की सब्जी बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, तो इधर दिखाओ। यहाँ पे मैंने आधी कटोरी चने की दाल ली थी और इसको हमने भिगो के रख लिया है। 2 घंटे पहले भिगो के रख देना। और ककोरा लिए हमने 1.5 किलो करेले ककोरे होंगे हमारे, और कुछ हमारी दीदी के यहाँ से आए थे यानी स्वार्थी के यहाँ से, और कुछ हमने अपने प्लॉट में से ही तोले थे। और यहाँ पे हमने लिए हैं 3-4 हरी मिर्च, 4 और आधी लहसुन की पूरी गांठ है, आधी है, 1 प्याज है। तो इस सब चीज़ों को हम काटेंगे। लहसुन को हमने छील लिया है और हरी मिर्च को हम बड़े बड़े काट के दरदरा पीस लेंगे। इसको भी मोटा मोटा कटिंग करना, फिर हम इसको मिक्सी में पीसेंगे। तो हम इनको पीसेंगे। ये देखिए इतना हमने मोटा रखा है। और अब हम ककोरों को कटिंग करते हैं। कुछ तो हमने काट के रख लिया, और बाकी के बचे हुए हम इनको भी कटिंग करेंगे। ये पीछे का ये डंठल काट के जब कटिंग करेंगे। इसमें कीड़े बहुत जल्दी पड़ जाते हैं, तो इनको देख के काटना है। चलिए तो हम इनको धोते हैं। चलिए तो हम गैस चालू करते हैं और गैस पर रखते हैं कढ़ाई। और अब इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। तो हमने 1.5 चम्मच सरसों का तेल डाला। तो अब हम डालते हैं 1 चम्मच जीरा। और अब हम डालेंगे मसाला, लहसुन, प्याज, हरी मिर्च। अब अच्छे से हम भूनेंगे मसाला, जब हम डालेंगे सूखा मसाला। तो 1/2 चम्मच डालेंगे हम हल्दी पाउडर। और 1 चम्मच धनिया पाउडर। और 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। और नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। अच्छे से इसको भी भून लेंगे। और ये देखिए मसाला अच्छे से भुन गया है, मसाले ने तेल भी छोड़ दिया है। और अब हम ककोरे को डालते हैं। और पता है ये ककोरा हमारे यहाँ पे इस समय 200 रुपये के जी है। आप अपने यहाँ की बताना कितने रुपए किलो है। हमारे यहाँ पे तो 200 रुपये के 1 किलो मिल रहे हैं। सभी ककोरों को हम इसी में डाल देंगे। अच्छे से हमने मसाला मिला लिया है सब ककोरों में,
देखिए अच्छे से मसाला मिल गया है। और अब हम डालते हैं इसमें चने की दाल, बीच में गड्ढा कर दिया है और इसके बीच में हम डालेंगे चने की दाल ताकि अच्छे से बची हुई दाल और भी फूल जाए। वैसे तो फूल गई है और फूल जाएगी इसमें। और अच्छे से हम इसको ऐसे दबा देते हैं बीच में, सब दाल को हमने ढक दिया है ऐसे ताकि अच्छे से फूल जाएगी। और अब हम इसको ढक के पकाएंगे और अब हम इसको 5 मिनट बाद देखेंगे। तो अभी करीब 5 मिनट हो गई, 5 मिनट के बाद देखते हैं कि अपनी सब्जी के क्या हाल हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही बढ़िया, मतलब हमारी सब्जी जो बनने वाली है वो करीब 40% तो बन चुकी है, इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है इसमें से। तो अभी जो चने की दाल जो डाली थी ना, तो ककोरा और चने की दाल सबको एक साथ मिक्स कर देंगे, अब दबाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो चने की दाल है वो भी अच्छे से अभी बॉयल हो चुकी है। और ये जो ककोरा है ये एकदम ताज़ी है, जंगल से तोड़कर लाए हैं, सोनी की जो दीदी हैं उनके लड़के तोड़कर लाए थे। और अभी हमारी सब्जी जो है अच्छे से हमने मिला दिया इसको, तो अभी ढक के रख देंगे और देखते हैं 4-5 मिनट के बाद में। तो अभी हमारी सब्जी पक चुकी है, 4-5 मिनट के बाद में हम देख रहे हैं इसको, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है और देख सकते हैं कि सब्जी तेल छोड़ गई, तेल छोड़ गई मतलब हमारी सब्जी अच्छे से पक गई है। चलिए आपको एकदम पास से दिखाते हैं और इसमें डालते हैं सोनी का स्पेशल सब्जी मसाला, जिसको डालते ही सब्जी का 10 गुना स्वाद बढ़ जाता है, पक्का ही बढ़ता है। तो अभी इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, ककोरा की नस नस में स्वाद जग जाना चाहिए, ऐसे मसाले को मिलाएंगे। और दोस्तों अभी हमारी सब्जी बनके हो गई तैयार और देख सकते हैं कितनी बढ़िया बनी है, बस मुंह में पानी आ रहा है। अगर आपके भी आ रहा है ना तो आज वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों आप सभी को आज की हमारी ककोरा रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो मिलते हैं आपसे कल एक नई रेसिपी में, जब तक के लिए राम राम।